वो दुकान ले चंद्रशेखर गुप्ता बोले तो हमारे सीएम आके असम में बोल रहे थे यहाँ पर आए किस वजह से आए किस रीजन से आए ऊपर से नीचे तक हमारे गवर्नमेंट की तरफ से पूरे गणेश विसर्जन का इंतजाम भव्य रूप से किया गया। भाजनगर उत्सव समिति वाले जो स्टेज लगा रहे थे जो प्रयत्न कर रहे थे उसमें आसाम के सीएम हमारे हेमंत बिस्वा जी आकर बेवजह आप किस लिए आए आप क्यों आए आप धर्म के प्रचार के लिए आए गणेश भगवान के लिए बताना जुलूस के लिए कुछ बताना ये छोड़ के चंद्रशेखर राव के लिए अब शब्द बोलने पर हम बर्दाश्त नहीं कर सके और हमने उनसे विनती की आप यहां से चले जाइए हमारे सीएम के लिए आप कुछ भी बोले तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हादसा हुआ था सब शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा है। मैं जनता से अपील करता हूं आप शांतिपूर्वक इस जुलूस का आनंद लें और भारतीय जनता पार्टी वाले और जो भी उत्सव समिति के लोग हैं उनको फिर एक बार वार्निंग देता हूं आइंदा कोई भी तुम्हारा लीडर बाहर से आके हमारे सीएम के लिए गलत बात बोलेगा उसको बर्दाश्त सवाल ही नहीं किया जाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गणेश उत्सव में एज ए चीफ गेस्ट आए यहां दर्शन करना जुलूस के लिए भाषण देना भगवान के गणेश भगवान के लीलाओं के बारे में बोलना पर एक राष्ट्र के मुख्यमंत्री को डाली देना कहां से बनता तुम है कौन बोलने वाले सवाल ही नहीं बर्दाश्त करेगा एक अलवर्ट हो गया उनको एक आदत पड़ गई जो दिल में आए बोल रहे सीएम के ऊपर केटीआर के ऊपर तुम तुम्हारा काम करो हम भी हिंदू है हम ब्राह्मण है पूरा स्टेज के ऊपर आजू बाजू पूरा प्रसाद बांटे हजारों लोगों को डोनेशन दिए हमेशा सबको हेल्प करते कैसा बर्दाश्त किया जाता हमारे तेलंगाना का राष्ट्रपिता सीएम को आप गाली दिए तो ठहर के सुनना ये सवाल ही नहीं सुनने का आगे आने वाले दिनों में सुनने का सवाल ही नहीं है अरे तुम मुंह तोड़ जवाब देंगे।